बुकलेट पे वापस आ जाओ। बुकलेट का पेज नंबर 85 एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, करें स्टार्ट। देखो, करें स्टार्ट। देखो, नेक्स्ट एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन का भी, जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ACL बुक्स में लिखा होता है, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ। कहां काम आएगा जरा ध्यान से समझना। आपको करंट कैरिंग वायर मैं अगर आपको दूं और आपसे बी पूछूं, करंट कैरिंग वायर की वजह से बी पूछूं, तो अब आपको तरीके पता लग गए हैं कि स्ट्रेट में क्या लगाना है और सर्कुलर में क्या लगाना है। पर मैंने क्वेश्चन ये दिया कि मान लो ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और मुझे बी यहां निकाल के बताओ क्या होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। बायट सवेट लॉ तो बहुत ही मुश्किल है, हर एलिमेंट डीएल 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 मूव करवाते जाएंगे और कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। हालांकि तरीका है और अगली बार मैं आपको बायट सवेट लॉ से भी करके दिखाऊंगा, बट बहुत लंबा तरीका है इंटीग्रेशन का जिसमें बहुत इंटीग्रेशन करनी पड़ेंगी तो आंसर आएगा। इसका आसान तरीका यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जहां पर आपको नॉर्मल जो बायट सवेट लॉ है बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस देगा और शायद देगा भी नहीं कभी कभी, तो वहां के लिए आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे और दो या चार लाइनों के अंदर बी कैन बी कैलकुलेटेड। आपको सेम फीलिंग आएगी इस टॉपिक को करते हुए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम में आती थी, कि जहां पर नॉर्मल ई की इंटीग्रेशन फेल हो जाती थी या बहुत लंबा आंसर मिलता था, वहां इमेजिनरी सरफेस लेके हम ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते थे। इसके अंदर भी सेम है, जहां पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर मुझे बी निकालना है, वहां इमेजिनरी एक लूप लेके वहां पर बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो जो काम गॉस थ्योरम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया, एम्पियर सर्किटल लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड में किया। क्या है लॉ, इसको एक बार समझते हैं। इस लॉ ने यह कहा कि सपोज आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हाँ, एक सीबीएसई में एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करके बताओ। अब जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के लिए, जैसे सपोज ये करंट कैरिंग वायर, करंट ऊपर है, थंब ऊपर, तो जब मैं फिंगर्स बनाता हूं ना, ये गोल 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 राउंड, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही ड्रॉ करता हूं। वो क्यों? क्योंकि फिंगर्स गोल घूम रही है और जहां पर भी बी निकालना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रो, डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो जैसे यहां पर अगर सर्कल है, अब यहां बी निकालना है तो ड्रॉ टेंजेंट, यहां निकालना है ड्रॉ टेंजेंट, यहां निकालना है ड्रॉ टेंजेंट। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डेफिनेशन अगर याद हो तो उसमें भी यही बोलते थे कि इट इज अ पाथ, कि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाए, उस पाथ को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। वैसे ही एक इट इज अ पाथ, सर्कल एक पाथ है जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। तो अब इस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करंट कैरिंग एक स्ट्रेट वायर में, इट इज अ कंसेंट्रिक सर्कल्स, आपने ड्रॉ करने कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ करो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, और अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मेरा हाथ ऐसे घूमेगा तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे जाएंगे। ये इमेजिनरी है, ये रियलिटी में नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सब इमेजिनरी है। क्लियर? और जितनी पास आओगे वायर के स्पेसिंग कम होगी, जितनी दूर जाओगे स्पेसिंग ज्यादा होगी। स्पेसिंग कम का मतलब फील्ड स्ट्रांग है और दूर जाने में फील्ड वीक है। तो ये बना लोगे, प्लॉट कर लोगे अगर आपके पेपर में आएगा। तो अब वापस आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे, जिसके अंदर ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। दिस रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर इस
टॉपिक में एम्पियर सर्किट लॉ कैसे काम करेगा, ये तो नेक्स्ट लेक्चर का ही काम है। इसकी पांच एप्लीकेशंस है फ्लक्स की तरह, लेकिन ये लॉ है क्या और इसका प्रूफ क्या है, आज हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये लॉ में अगर मान लो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है और इसके आसपास, अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास आप एक इमेजिनरी इमेजिनरी सर्कल लूप ड्रॉ करें, क्लोज्ड पाथ जिसे बोलते हैं। क्लोज्ड पाथ सर्कल भी हो सकता है, क्लोज्ड पाथ आर्बिटरी कोई रैंडम शेप भी हो सकता है, कुछ भी क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करें। तो ये क्लोज्ड पाथ क्यों ड्रॉ करते हैं ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन लेंथ वाइज है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन लेंथ वाइज को लाइन इंटीग्रल ऑफ। किसका? मैग्नेटिक फील्ड। तो किसको इंटीग्रेट करना है? बी को लेंथ वाइज। तो अगर आप एक क्लोज्ड पाथ, ये सर्कल क्या शो कर रहा है? क्लोज्ड पाथ। तो एक राउंड, एक क्लोज्ड पाथ के अंदर अगर आप यहां पर मुझसे बी पूछो, करंट कैरिंग वायर यहां पर कुछ ना कुछ बी जरूर जो है यहां पर प्रोड्यूस करेगी, और कहां करेगी? करंट अगर ऊपर है तो अंदर करेगी, इनसाइड करेगी। इस क्लोज्ड पाथ का स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस सपोज कितना, डीएल। डीएल की डायरेक्शन फिंगर्स की तरफ ही जाएंगी जहां बी जाता है। तो अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है थंब ऊपर, तो क्लोज्ड पाथ ऐसे बनेगा मेरे हाथ की तरह, डीएल भी ऐसे जाएगा और बी भी ऑब्वियसली ऐसे जाएगा। तो हमेशा बी और डीएल में एंगल क्या बनेगा इनमें? जीरो। तो आप अगर एक क्लोज्ड पाथ लें, इस क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस बी डॉट डीएल निकाल लें, जैसे यहां पर लिया बी डॉट डीएल, फिर अगले पॉइंट पे लिया बी डॉट डीएल, अगले पॉइंट पे लिया बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल पूरे क्लोज्ड पाथ का लिया, तो उसका आंसर इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर से पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है आए। ये सेम आपको बिल्कुल सेम फीलिंग आएगी, ई डॉट डीएस हम किया करते थे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। इसमें क्या करेंगे? ई की जगह बी, डीएस की जगह डीएल, इसकी जगह म्यू नॉट और इसके अंदर आए। तो सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेते हैं, इसमें क्लोज्ड लूप लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आज से इसका प्रूफ करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन में पता लगेगा कि वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे सॉल्व करता है। तो पहले इसकी प्रूफ के अंदर, ये मैंने एक करंट कैरिंग वायर ली इनफाइनाइट, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास मैंने एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ कर लिया। कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं घर जाके कि ये शायद करंट कैरिंग वायर सर्कल ली, नहीं, ये एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, लिख लो एरो बना के इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। तो मैंने इस वायर के आसपास इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ले लिया, क्लियर है यहां तक? तो इमेजिनरी सर्कल ले लिया, सर्कल का रेडियस अपने मन से कुछ भी आर ले लिया, ध्यान आगे। तो कोई भी एलिमेंट लिया मैंने यहां पर डीएल, इसका डीएल की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करनी होती है, अंदर या बाहर? थंब को रखो करंट के साथ, करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो बी तो अंदर जाएगा ही जाएगा, डीएल भी उसके साथ जाता है। तो इस स्मॉल एलिमेंट में, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसमें बी इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या देगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, ये फॉर्मूला देगा। उस एलिमेंट पे बी डॉट डीएल निकाला, बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो। बी बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अगर आप इस पाथ का डीएल 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 मिलाओगे तो सर्कमफ्रेंस आएगा, और सर्कमफ्रेंस कितना है इसमें? 2 पाई आर। बी की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट की, 4 पाई से 2 पाई, 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर सिंपल क्या आ गया? म्यू नॉट टाइम्स आए। तो अगर आप पूरे क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल निकालोगे तो इंटीग्रेट करके आपके पास आंसर म्यू नॉट टाइम्स इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है वहां से आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक। अब कई बार क्या होता है, ये क्लोज पाथ सर्कल क्यों लिया? क्या पता आर्बिट्री पाथ होता? फिर से एक बार प्रूफ करेंगे, लेकिन इस बार आर्बिट्री पाथ। तो सेम क्वेश्चन है, आई करंट है, आर्बिट्री कोई भी क्लोज्ड पाथ है, लेकिन होना क्लोज चाहिए ये। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स में, डीएल वन डीएल टू डीएल थ्री एंड सो ऑन। हर एलिमेंट सेंटर पे एंगल बना रहा है, डी थीटा वन डी थीटा टू डी थीटा थ्री एंड सो ऑन। सेंटर पे जो भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? 2 पाई। ये भी क्लियर है 2 पाई? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। एक चीज ये देख लो, इस एलिमेंट की दूरी यहां से लेट अस सपोज आर वन है,
नेक्स्ट की आर टू है, नेक्स्ट की आर थ्री है, क्योंकि एलिमेंट आर्बिटरी डिस्टेंस पे है तो जरूरी नहीं है कि वो आर डिस्टेंस पे ही होगा। तो मान लो ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है, तो बी की वैल्यू इस इसके अंदर इस पॉइंट इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो एंगल डी थीटा वन इज आर्क डी एल वन डिवाइडेड बाय रेडियस कितना आर वन। ऐसी सेकेंड सेक्टर में डी थीटा टू इज डी एल टू डिवाइडेड बाय रेडियस आर टू एंड सो ऑन। तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस का फॉर्मूला हर सेक्टर में लग गया इसमें, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट अब एक काम करते हैं, हमने क्लोज्ड पाथ का क्या निकालना है, बी डॉट डी एल। तो एक काम करते हैं, क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन है और एलिमेंट डी एल वन है, तो बी वन डी एल वन कॉस जीरो, सेकेंड के अंदर बी टू डी एल टू कॉस जीरो, बी थ्री डी एल थ्री कॉस जीरो, पूरे क्लोज पाथ के लिए। B1 की वैल्यू इनफाइनाइट वायर की क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय r1, B2 में 2i डिवाइडेड बाय r2, क्योंकि हर एलिमेंट की दूरी r1 r2 r3 है। ये स्टेप भी क्लियर है, यस क्लियर है। इसमें से कॉमन आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2i, क्या बचा dl1 बाय r1 dl2 बाय r2, और एंगल इज आर्क बाय रेडियस से इसकी जगह क्या पुट करेंगे d थीटा 1, इसकी जगह क्या पुट करेंगे d थीटा 2 एंड सो ऑन। टोटल एंगल का सम इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई, तो कैंसिल करने पे आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली सेम। जब एनसीईआरटी में आएगा स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, बेटर है आप स्टेटमेंट के साथ ये वाला प्रूफ लिखें, क्योंकि किसी भी सर्कुलर की जगह आर्बिटरी पाथ के लिए करेंगे ज्यादा बेटर है। ठीक है यहां तक। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, बाद में नहीं कहना हमें पता नहीं लगा। कल करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है, 10 बजे से स्टार्ट है, कल 9 बजे का कोई स्लॉट नहीं है, 10 से लेके 1 बजे तक का, वो एसएमएस आएंगे अभी आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी करके आए, हीटिंग इफेक्ट आ सकता है, और आरसी सर्किट नॉन मेडिकल वालों के लिए और मेडिकल में नहीं जरूरत नहीं है, अगर आएगा तो टाइम कॉन्स्टेंट दैट सेट, हीटिंग इफेक्ट करके आना है, और सेम सिलेबस है जो लास्ट टाइम था। और नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को जितना दो लेक्चर में अभी काम हुआ यहां तक एम्पियर सर्किटल लॉ तक, ये पूरे का पूरा टेस्ट आएगा सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में। पहला क्वेश्चन आएगा बायट सवर्ट लॉ की, इनफाइनाइट वायर की या वो वायर वाली एप्लीकेशन, दूसरा क्वेश्चन सर्कुलर लूप वाला जो आज हमने किया एक्सिस पे एप्लीकेशन, तीसरा क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और चौथा आएगा आज के लेक्चर में से न्यूमेरिकल, चार क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप सारा रिवाइज करके आओ, अगली बार पक्का टेस्ट होगा।